to Uma Bharti live, who joins us after her about turn, a letter to Rajnath Singh saying that she now supports L.K. Advani as Prime Minister. Uma ji, now before the assembly elections in Madhya Pradesh, you clearly said that your aim was to ensure that L.K. Advani does not become Prime Minister. Now you've done this turnaround. Why? What made you change your mind? जब मध्य प्रदेश विधानसभा और राजस्थान छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने महसूस किया कि हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण हमारे पास पैसे का अभाव था। तो इस लोकसभा चुनाव की जब हमने समीक्षा की तो हमको लगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का। तो बात आई कि किसका समर्थन करें। मेरे मन में मायावती जी के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता था दलित और महिला होने के कारण, लेकिन इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या के बाद, उनके जन्मदिन के बाद जो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने और पैसे, ज्यादा पैसे कलेक्ट किए, उस बात से एक महिला होने के नाते मेरे मन में बड़ी वितृष्णा हुई। फिर मुझे लगा कि मुझे सारी बातों को एक तरफ रख करके अडवाणी जी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में लगे हुए हैं वो अडवाणी जी के सामने कहीं भी टिकते नहीं हैं। और आज देश की जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करने में सिर्फ अडवाणी जी ही सक्षम हो सकते हैं, ऐसा मेरा उन पर पूरा विश्वास है। और इसलिए मैंने ऐसा तय किया। ये सही है कि मैंने उनको ये कहा है कि हमारी पार्टी मर्ज नहीं करेगी और ना हमें सीटें चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हमें सीटें लड़ने के लिए दे भी देंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। और इसलिए ना हमें सीटें चाहिए ना हमें मर्जर करना है। मुझे अपनी पार्टी पर पूरा गर्व है और संतोष है। मैं पहले अडवाणी जी को मिली और फिर मैंने उनको चिट्ठी लिखी ताकि वो अपनी पार्टी के लोगों को हमारे समर्थन की चिट्ठी दिखा सकें। जैसे नीतीश कुमार, जैसे प्रकाश सिंह बादल, जैसे बाल ठाकरे बिना बीजेपी में आए अडवाणी जी को अपना नेता मानते हैं, इसी प्रकार से मैं भी बिना बीजेपी में आए अडवाणी जी को अपना नेता मानती हूं और ना मैं भविष्य में मर्जर करना चाहूंगी। मुझे अपनी पार्टी पर गर्व है और संतोष है और मैं ऐसा माहौल बनाऊंगी इस देश में कि हम पैसे के अभाव में भी सत्ता तक कभी पहुंच सकेंगे। ओके, सो यू वांट टू बी लाइक एन ally ऑफ द NDA लाइक नीतीश एंड प्रकाश सिंह बादल, पर आप देख रहे हैं कि इस समय बीजेपी में क्या हो रहा है। ऑन द वन हैंड द वरुण गांधी फियास्को, ऑन द अदर हैंड अरुण जेटली योर ओल्ड फ्रेंड इज कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल द इलेक्शन मीटिंग्स। हाउ डू यू सी वरुण गांधीज कॉमेंट्स? वरुण गांधी के रिमार्क अगर एंटी मुस्लिम है तो क्या कल्याण सिंह का रिमार्क एंटी हिंदू नहीं था? लाखों कार सेवक इकट्ठे हुए थे अयोध्या में और कल्याण सिंह ने जब चुनाव लड़ा था विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, तो इसी पर लड़ा था कि मैंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो इसी के कारण मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि वरुण गांधी और कल्याण सिंह एक ही पासंग पर बैठ रहे हैं। उनने हिंदुओं की भावनाओं को हर्ट किया है जिन्होंने उनको वोट दिए थे सिर्फ मुलायम सिंह का साथ देने के लालच में। और वरुण गांधी ने जो कुछ कहा है मैं पहले चूंकि उसको ठीक से सुनी नहीं, क्योंकि अधिकतर जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं उनका बोला हुआ दिखा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं वरुण गांधी को पहले से जानती हूँ, वो चुनाव के लिए नहीं बदले हैं और उनकी जो विचारधारा है, कई बार आपस की बातचीत में भी ऐसी बातचीत मुझे रिफ्लेक्ट हुई थी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में लोगों को मारा पीटा है ये तो और घिनौना था, तो राज ठाकरे को बैन करना चाहिए, उनको चुनाव नहीं लड़ना देना चाहिए। उन्होंने क्या नहीं किया वहां पर? गरीब रिक्शे वालों को पिटवाया, गरीब कुलियों को पिटवाया, वो तो इतना शर्मनाक था। ये तो अच्छा नहीं है कि हम हिंदू समुदाय के प्रति ये रखें कि वो मरे पिटे आपस में लड़े, तो कोई बात नहीं, बस मुसलमानों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी नजर में राज ठाकरे, वरुण गांधी, कल्याण सिंह एक ही प्रकार के लोग हैं। अगर केस बने तो सब पे बने और नहीं बने तो किसी पे ना बने। अच्छा, फाइनली टेल अस उमा जी, दैट यू नो योर क्रिटिक्स से दैट यू आर इनकंसिस्टेंट, यू आर मर्क्यूरियल, यू हैव मोर मूड्स दैन एनीवन कैन काउंट, दैट यू हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द बीजेपी दैन इवन मोर टाइम्स दैन इवन आई एंड मे बी यू कैन रिमेंबर। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज चार्जेस ऑफ बीइंग इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल? मैं जब से पैदा हुई तब से मैंने राष्ट्रीय हितों पर सोचा है और इसलिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे मीडिया हो चाहे देश का इंटेलिजेंसिया हो, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मेरे जैसे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। आई एम नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, लेकिन मैं ये बात कहूंगी कि मैं देश का और गरीबों का भला सोची हूं। मैंने कभी सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया है और ये बात जो लोग मेरे बारे में कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं और वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मेरी छवि खराब करने के लिए अपवित्र और गंदे मन के कारण ये बात बोलते हैं। ये हकीकत नहीं है। All right, Uma Bharti, as vocal as ever, of course, thanks for your time on the Buck Stops here this evening. Well, we're going to take a quick break. On the other side, we've got lots more coming. It's been a day when politicians have been told to keep away from crowds because of new terror threats. But what do those threats mean for the IPL? Can the IPL and the elections be held together? Is the IPL Season 2 back on track? The revised schedule has been sent to all the state governments concerned. We have asked them to give their comments and views.
So what do you think? Should the IPL and the elections be held together? Join that debate on the other side of the break.